यह वीडियो प्राचीन संस्कृत विद्वान के बारे में है। पाणिनि संस्कृत। पाणिनि एक तर्कशास्त्री, संस्कृत भाषा शास्त्री, व्याकरणविद और प्रतिष्ठित विद्वान, जिनका समय 7वीं और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा उनके कार्य अष्टाध्यायी की खोज और प्रकाशन के बाद से पाणिनि को पहला वर्णनात्मक भाषाविद माना जाता है, और यहाँ तक कि उन्हें भाषा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पाणिनि संभवतः महाजनपद युग के दौरान उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन गांधार के शालतुरा में रहते थे। पाणिनि नाम एक पितृनाम है जिसका अर्थ है पाणिन का वंशज। पतंजलि के महाभाष्य के श्लोक 1.75.13 और 3.251.12 के अनुसार उनका पूरा नाम दक्षिणपुत्र पाणिनि था, जिसके पहले भाग से पता चलता है कि उनकी मां का नाम दक्षिणी था। पाणिनि कब रहते थे इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, यहाँ तक कि वे किस शताब्दी में रहते थे। पाणिनि का समय 7वीं और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जॉर्ज कार्डोना 1997 ने पाणिनि से संबंधित अध्ययनों के अपने आधिकारिक सर्वेक्षण और समीक्षा में कहा है कि उपलब्ध साक्ष्य 400 ईसा पूर्व से पहले की तिथि का दृढ़ता से समर्थन नहीं करते हैं, जबकि पहले की तिथि व्याख्याओं पर निर्भर करती है और प्रमाणिक नहीं है। मुद्रा शास्त्रीय निष्कर्षों के आधार पर वॉन हिन्योबर 1989 और फॉक 1993 पाणिनि को 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में रखते हैं। पाणिनि के रुपया 5 फरवरी 1119, 5 फरवरी 1120, 5 अप्रैल 1943, 4 मार्च 1153 में कई सूत्रों में एक विशिष्ट सोने के सिक्के निष्क का उल्लेख है, जिसे भारत में 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में पेश किया गया था। हुबेन के अनुसार की तारीख। इस प्रकार पाणिनि के लिए 350 ईसा पूर्व का समय ठोस साक्ष्य पर आधारित है, जिसका अब तक खंडन नहीं किया गया है। ब्रॉन्कहॉर्स्ट के अनुसार वॉन हिन्योबर और फॉक के तर्क की वैधता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जो पाणिनि की तिथि के लिए टर्मिनस पोस्ट क्वम को 350 ईसा पूर्व या उसके बाद के दशकों में निर्धारित करता है। हिन्योबर 1990 और फॉक 1993 द्वारा किए गए काम की बदौलत अब हम जानते हैं कि पाणिनि सभी संभावनाओं में अशोक के काल के समय से कहीं ज्यादा करीब रहते थे, जितना कि अब तक माना जाता था। फॉक के तर्क के अनुसार पाणिनि 350 ईसा पूर्व के बाद के दशक में रहे होंगे, यानी मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर के आक्रमण से ठीक पहले या उसके साथ। संस्कृत महाकाव्य बृहत्कथा और बौद्ध धर्म ग्रंथ मंजुश्री मूलकल्प दोनों में पाणिनि को राजा धन्नंद शासनकाल 329 से 321 ईसा पूर्व का समकालीन बताया गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने से पहले नंद साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। कार्डोना पाणिनि के लिए एक पुरानी तिथि प्रदान करते हैं 33, यह तर्क देते हुए कि यौगिक शब्द यवनानी, जिसकी चर्चा सूत्र 4 जनवरी 1949 में की गई है, अकेमेनिड साम्राज्य के लेखन लिपि सीक्यू क्यूनिफॉर्म या सिकंदर महान के ग्रीक का उल्लेख करने के बजाय ग्रीक महिलाओं को संदर्भित करता है, और यह कि सिंधु घाटी के निवासियों का संभवतः डेरियस के 535 ईसा पूर्व या सिकंदर की 326 ईसा पूर्व की विजय से पहले ग्रीक महिलाओं के साथ संपर्क था। केबी पाठक 1930 तर्क देते हैं कि सूत्र 2 जनवरी 1970 का कुमारा श्रमण से लिया गया है, जो महिला त्यागियों जैसे बौद्ध भिक्षुणियों को संदर्भित करता है। यह अज्ञात मूल के जैन आर्यिका को भी संदर्भित कर सकता है, जिससे संभवतः पाणिनि को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध से पहले रखा जा सकता है। अन्य पाणिनि की भाषाई शैली के आधार पर उनके कार्यों को 6ठी या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं।
पाणिनि के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। वल्लभी के शिलादित्य के एक शिलालेख में उन्हें शालतुरिया कहा गया है, जिसका अर्थ है सलातुरा का एक व्यक्ति। इसका मतलब है कि पाणिनि प्राचीन गांधार उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के शालतुरा में रहते थे, जो संभवतः लाहौर के पास था, जो सिंधु और काबुल नदियों के जंक्शन पर एक शहर था। 7वीं शताब्दी के चीनी विद्वान जुआनजांग के संस्मरणों के अनुसार सिंधु पर सोलोडुलुओ नाम का एक शहर था, जहां पाणिनि का जन्म हुआ था और जहां उन्होंने किंग मिंगलुन संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। कथासृत सागर किंवदंतियों के अनुसार पाणिनि ने पाटलिपुत्र में अपने गुरु वर्षा के अधीन अध्ययन किया। अपने शिष्यों में सबसे प्रतिभाशाली न होते हुए वर्षा की पत्नी की सलाह पर पाणिनि तपस्या करने और शिव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय चले गए। शिव ने सूत्र प्रदान किए, जिन्होंने पाणिनि के सामने नृत्य किया और अपना डमरू बजाया और इन सूत्रों की मूल ध्वनियां उत्पन्न की। पाणिनि ने उन्हें स्वीकार कर लिया और वे अब शिव सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। इस नए व्याकरण से लैस पाणिनि हिमालय से पाटलिपुत्र वापस आ गए। लेकिन उसी समय वर्षा के एक अन्य शिष्य वरुचि ने इंद्र से व्याकरण सीखा था। उन्होंने एक शास्त्रार्थ किया जो 8 दिनों तक चला और अंतिम दिन वरुचि के हावी होने पर पाणिनि शिव की मदद से उसे हराने में सक्षम हुए। इसके बाद पाणिनि ने वर्ष के बाकी शिष्यों को हराया और सबसे महान व्याकरणविद के रूप में उभरे। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि ने अपने जीवन का अधिकांश भाग पाटलिपुत्र में बिताया था और कुछ पंडितों के अनुसार उनका जन्म और पालन पोषण वहीं हुआ था। पाणिनि के पूर्वज पहले ही सालतुरा से वहां चले गए थे। पाणिनि का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी रहा है। पाणिनि का उल्लेख भारतीय दंतकथाओं और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पिंगला पाणिनि का भाई था। अगस्त 2004 में पाणिनि को 5 रुपए के भारतीय डाक टिकट पर चित्रित किया गया था। पाणिनि की सबसे महत्वपूर्ण कृति अष्टाध्यायी एक व्याकरण है, जो मूलतः संस्कृत भाषा को परिभाषित करती है। अपने समय में कुलीन वक्ताओं की बोली और रजिस्टर पर आधारित यह पाठ पुरानी वैदिक भाषा की कुछ विशेषताओं का भी वर्णन करता है। अष्टाध्यायी एक वर्णनात्मक और जनरेटिव व्याकरण है, जिसमें भाषा के हर पहलू को नियंत्रित करने वाले बीजगणितीय नियम हैं। इसे 3 सहायक ग्रंथों द्वारा पूरक किया गया है, अक्षर सामान्य, धातुपाठ और गणपाठ। वैदिक भजनों की भाषा को भ्रष्टाचार से बचाने के सदियों पुराने प्रयास से विकसित अष्टाध्यायी भाषा परिवर्तन को रोकने के लिए तैयार की गई एक सशक्त परिष्कृत व्याकरणिक परंपरा का चरम बिंदु है। अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों में 3,959 सूत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक को 4 खंडों या पदों में विभाजित किया गया है। शास्त्रीय युग के उत्तरार्ध में भारतीय पाठ्यक्रमों के मूल में व्याकरणिक अध्ययन और भाषाई विश्लेषण की प्रणाली थी। इस अध्ययन का मुख्य पाठ्य पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, जो सीखने की अनिवार्य शर्त थी। पाणिनि का यह व्याकरण भट्टिकाव्य की रचना से पहले 10 शताब्दियों तक गहन अध्ययन का विषय रहा था। रामायण के संदर्भ में मौजूदा व्याकरण संबंधी टिप्पणियों में पहले से दिए गए उदाहरणों का उपयोग करके पाणिनि के पाठ को अध्ययन सहायता प्रदान करना भट्टी का उद्देश्य था। पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के लिए जाने जाते हैं, जो संस्कृत व्याकरण पर एक सूत्र शैली ग्रंथ है, जिसमें 8 अध्यायों में भाषा विज्ञान, वाक्य विन्यास और शब्दार्थ पर 3,996 छंद या नियम शामिल हैं, जो वैदिक काल के सहायक विद्वानों के विषयों वेदांग की व्याकरण शाखा का आधारभूत ग्रंथ है। उनके सूत्रात्मक ग्रंथ ने कई भाष्य टिप्पणियां को आकर्षित किया, जिनमें से पतंजलि द्वारा महाभाष्य सबसे प्रसिद्ध है। उनके विचारों ने बौद्ध धर्म जैसे अन्य भारतीय धर्मों के विद्वानों को प्रभावित किया और उनकी टिप्पणियों को आकर्षित किया।
संज्ञा यौगिकों के बारे में पाणिनि का विश्लेषण आज भी भारतीय भाषाओं में यौगिक संयोजन के आधुनिक भाषाई सिद्धांतों का आधार बना हुआ है। पाणिनि के व्याकरण के व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत को पारंपरिक रूप से शास्त्रीय संस्कृत की शुरुआत माना जाता है। उनके व्यवस्थित ग्रंथ ने संस्कृत को 2 सहस्राब्दियों तक सीखने और साहित्य की प्रमुख भारतीय भाषा बना दिया। पाणिनि का रूपात्मक विश्लेषण का सिद्धांत 20वीं सदी से पहले किसी भी समकक्ष पश्चिमी सिद्धांत से अधिक उन्नत था। पाणिनि का कार्य 19वीं सदी के यूरोप में जाना गया, जहां इसने आधुनिक भाषा विज्ञान को शुरू में फ्रांज बॉब के माध्यम से प्रभावित किया, जो मुख्य रूप से पाणिनि को देखते थे। इसके बाद काम के एक व्यापक शरीर ने फर्डिनेंड डी सोसुरे, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड और रोमन जैकबसन जैसे संस्कृत विद्वानों को प्रभावित किया। फ्रिट्ज स्टाल 1930 से 2012 ने यूरोप में भाषा पर भारतीय विचारों के प्रभाव पर चर्चा की। पाणिनि और बाद में भारतीय भाषाविद भर्तृहरि ने संस्कृत के प्रोफेसर फर्डिनेंड डी सोसुरे द्वारा प्रस्तावित कई बुनियादी विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिन्हें व्यापक रूप से आधुनिक संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। और चार्ल्स एस पियर्स के साथ दूसरी तरफ सांकेतिकी के लिए, हालांकि जिस अवधारणा का इस्तेमाल सोसुरे ने किया वह सांकेतिकता थी। 1998 में पाणिनि के व्याकरण के जर्मन अनुवाद के पुनर्मुद्रण संस्करण के अपने प्रस्तावना में प्रेम सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि भारत यूरोपीय भाषा विज्ञान पर पाणिनि के कार्य का प्रभाव विभिन्न अध्ययनों में दिखाई देता है और कई मौलिक कार्य ध्यान में आते हैं। ऋषि राजपोपट ने 2021 में अपने पीएचडी थीसिस में नियम संघर्षों को हल करने की एक सरल प्रणाली तैयार करके पाणिनि की भाषा मशीन की गहरी समझ को विस्तृत किया। उनके शोध प्रबंध की आलोचना प्रमुख भारतीय संस्कृत विद्वानों द्वारा नियमों की त्रुटिपूर्ण आधार और समझ पर आधारित होने के रूप में की गई है। पाणिनि का व्याकरण दुनिया की पहली औपचारिक प्रणाली है, जो 19वीं सदी में गोटलोब फ्रेगे के नवाचारों और गणितीय तर्क के बाद के विकास से बहुत पहले विकसित हुई थी। 2 साहित्यिक कृतियों का श्रेय पाणिनि को दिया जाता है, हालांकि वे अब लुप्त हो चुकी हैं। जाम्बवती विजया एक खोई हुई महाकाव्य कविता है, जिसका उल्लेख राजशेखर ने जलहन की सूक्ति मुक्तावली में किया है। इस कृति का एक अंश रामयुक्त की नामलिंगानुशासन की टिप्पणी में पाया जा सकता है। शीर्षक से पता चलता है कि यह कृति कृष्ण द्वारा जाम्बवती को पाताल से अपनी दुल्हन के रूप में जीतने के बारे में है। पाणिनि के कार्यों में कई प्रोटोगणितीय अवधारणाएं पाई जाती हैं। पाणिनि ने अपने समय के ज्ञात व्याकरणिक रूपों को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने के लिए ढेर सारे विचार प्रस्तुत किए। किसी भी गणितज्ञ की तरह जो गणितीय भाषा में किसी ज्ञात घटना का मॉडल बनाता है, पाणिनि ने एक मेटालैंग्वेज बनाई जो बीजगणित के आधुनिक विचारों के बहुत करीब है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।